घरों के रैंप, निवासियों को इसकी पूर्व सूचना दी नहीं गई थी, निवासियों ने पार्षद पर दबंगई का आरोप लगा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये खबर है, बिना नोटिस घरों के रैंप तोड़े गए, इसकी पूर्व सूचना तक नहीं दी गई निवासियों को और उन्होंने आरोप ये लगाया है कि ये सरासर दबंगई है पार्षद की। गोमती नगर के वैभव खंड से बीजेपी पार्षद हैं सावित्री देवी और उनसे ये अब आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि अधिकारियों से मिली भगत करके रैंप तोड़े गए हैं। अब दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी में पार्षद की दबंगई सामने आई है और ये आरोप लगाया है वहां के स्थानीय निवासियों ने। गोमती नगर का ये पूरा मामला है, वैभव खंड से बीजेपी की पार्षद हैं सावित्री देवी और आरोप ये लगा है कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ये रैंप तोड़े गए हैं। और जो स्थानीय निवासी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर दुर्घटना किसी तरह की होती है इन टूटे हुए रैंप्स की वजह से, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आरोप ये है कि पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, बिना किसी पूर्व सूचना के ये रैंप तोड़े गए। और आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये वहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है, चलने लायक ज़मीन वहाँ पर जो है नहीं बची है। आप देखिए, यहाँ से अगर कोई वाहन गुजरता है तो दुर्घटना की स्थिति है। हालांकि दलील हो सकती है अधिकारियों की कि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से बने हुए रैंप थे, निर्माण था, लेकिन क्या ज़रूरी ये नहीं था कि पूर्व सूचना दी जाती यहाँ के निवासियों को? और यही कहना है स्थानीय निवासियों का कि कोई पूर्व सूचना इन्हें नहीं दी गई, बिना किसी जानकारी के ये रैंप्स जो हैं तोड़ दिए गए और उसके बाद वहाँ पर कैसे स्थिति ख़राब हो गई है ये आप देखिए। स्थानीय लोग जो हैं बार बार यही कह रहे हैं कि कोई दुर्घटना हो सकती है, पार्षद की दबंगई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि पार्षद ने बिना किसी पूर्व सूचना के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कुलदीप, आखिर ये जो निर्माण थे क्या ये अवैध थे, और अगर अवैध निर्माण तोड़े गए हैं तो स्थानीय निवासी जो हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं और आखिर दबंगई का आरोप क्यों लग रहा है? कुलदीप, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि राजधानी लखनऊ के जो कि गोमती नगर के वीवीआईपी इलाके का मामला है, जहां पर आज जो पार्षद है सावित्री देवी, उनका जो लड़का है शैलेंद्र वर्मा, उसकी दबंगई सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दबंग पार्षद ने हमारे घरों के सामने जो भी रैंप बने थे उनको बिना किसी पूर्व नोटिस के आज जेसीबी चलवाकर उनको तोड़ दिया गया। वहीं उनका कहना कि हमने नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षद से बात करनी चाहिए, लेकिन वो पूरी तरीके से मुकर गए। और अधिकारियों का कहना है कि हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में मकान हैं जिनके रैंप तोड़े गए हैं और क्या ये अवैध तरीके से बने हुए थे? जी मैं बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके का जो आज मामला सामने देखने को मिला, वो मकान ना ही अवैध रूप से बने हैं और ना ही वो किसी गलत तरीके से बने हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्षद की बातें सामने आई कि जो भी पार्षद के जानने वाले थे उनके घरों के सामने जो रैंप थे उनको नहीं तोड़ा गया, और कुछ ही लोगों के जो कम से कम 15 से 20 घर के लोगों के जो घर के सामने हैं उनके रैंप को तोड़ा गया। ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।